Just to have Madhuri ji and Sanjay Dutt in the same frame, you're like, oh, it's very nice. Hi guys, this is Drishti Pathak and abhi main aapko apne saath leke jaane wali hu logon se poochne ke liye ki unko film Kalank kaisi lagi. The story of eternal love. Achhi thi. Na theek hai, abhi slow movie hai bahut. Dekha movie, achhi hai. I'm thodi slow hai. थोड़ी बड़ी भी है लेकिन मूवी अच्छी है. वन टाइम तो देखने के जाना है पब्लिक को. आई थिंक इट्स एंटरटेनिंग फॉर एनी इंडियन ऑडियंस. इट्स गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ बूटी इन टर्म्स ऑफ लव एंड आई थिंक वी आर ऑल सकर्स फॉर लव. सो आई थिंक दिस मूवी वुड एटलीस्ट अपील टू एनीबॉडी हु इज ट्रूली लव्ड एंड लॉस्ट. बहुत अमेजिंग मूवी थी. यू नो मैं फ्लाइट करके आई हूँ. मैं कह कि मुझे मूवी देखनी है. सो फाइनली मुझे मूवी मिली है देखने. सो आई एम रियली नो इट्स like it was good to watch that movie. I feel so good about that. It's an awesome movie. Jo movie ka jo first part tha little bit slow but after interval the movie was very awesome. Varun is extremely awesome. So the acting of Varun is super 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 fantastic. Film achhi lagi. Kahani mujhe kafi achhi lagi. Expectation yahi tha ki kahani zyada achhi hogi. Jis tarah hum logon ne songs dekhe the ya trailer launch hua tha tab dekha tha. तो मैं समझ रहा हूँ कि कम से कम मेरी उम्मीद पे तो पूरी उतरी है. कलंक वैसे देखिए द मोमेंट आई सॉ द फिल्म ना मैं काफ़ी फिल्म को फॉलोअप भी कर रहा हूँ. आई हैव बीन राइटिंग अबाउट इट आल्सो क्वाइट अ लॉट. इंटरवल तक तो काफ़ी कुछ जम रहा था. ऐसे ठीक है एक फॉर्मेट अलग है बिल्कुल एकदम. कुछ कुछ तो प्रेडिक्टेबल सा लगने लगता है एट एनी गिवन टाइम. शुरू में जैसे वो वरुण धवन माधुरी को देखता था इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता था शुरू के भाई रिलेशनशिप है कुछ तो ये. लेकिन ठीक है चलो फाइन. बट इंटरवल के बाद में एक एक्सपेक्टेशन था. इंटरवल के बाद में अगर वो हैंडल कर लेता तो इट वुड हैव बीन रियली ए मेजर दिस ईयर. बट इंटरवल के बाद में काफी हॉशपॉच हो गया. जैसे कि इस फिल्म में तीन पैरिंग है आपको सबसे बेस्ट जोड़ी किसकी लगी? आलिया वरुण. वरुण और आलिया. वरुण धवन की और उसकी आलिया. केमिस्ट्री एक्चुअली किसी पर फिक्स नहीं है इस वजह से ये डिसीजन लेना तो मुश्किल होगा. बट लव स्टोरी मुझे अच्छी लगी. एवरीबॉडी हैज परफॉर्म वेरी नाइसली राइट फ्रॉम वरुण धवन से लेके सोनाक्षी सिन्हा. आलिया भट्ट शी इज द रॉकिंग बेस्ट एब्सोल्युटली. शी इज शी इज अ स्टार हु हैज इवॉल्वड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वंडरफुल. यानी इवन वरुण धवन ही इज एक्सलेंट एब्सोल्युटली. माधुरी संजय दत्त अपने अपने इसमें दे नो लुकिंग बैक एज सच. हम जानते हैं फिल्म के जो सेट्स है वो काफी ग्रैंड है जैसे संजय लीला भंसाली के फिल्म्स में. तो डू यू थिंक द सेट्स वर एज गुड एज देम और बेटर? या क्रिएटिव थे यू नो स्पेशली एनिमेशन एंड ऑल पे उन लोग ने बहुत ज़्यादा फोकस किया. सो यू नो एवरी थिंग जहाँ सीन पे स्लो मोशन जहाँ यू नो इट वॉज ऐसा लगा कि ज़रूरी था तो वो सब उन लोग ने किया. तो मतलब दैट वॉज बहुत अच्छी लगी मुझे. बिल्कुल संजय लीला भंसाली की मूवी तो बहुत अलग होती है. उनके जो भी सेट्स होते हैं जो डेथ है पे बट उसी की तरह देखते हुए लिया गया है इस मूवी का. तो है सेट भी अच्छे बताए हैं सबको लोग जिस तरीके से उनको डिजाइनिंग किया गया है सबके और एज एन स्टोरी बेस्ड सब एज एन परफेक्ट दिखा है. बट एज एन उनका कंपैरिजन तो एक अलग बात हो जाती है. जैसे कि हम जानते हैं माधुरी हैज डांस इन दिस मूवी एंड सो इज आलिया. तो डू यू थिंक आलिया माधुरी मैम को टक्कर दे पाई? दोनों का भी अच्छा है. टाइम लगेगा बट देन हाँ आलिया वॉज अमेजिंग इन हर ओन वे. तो उनका भी जो तरीका था वो क्लासिकल यू नो दैट वॉज वेरी नाइस. तो अच्छा लगा थी. ओ यस एंड माधुरी मैम हैज हरसेल्फ सेड दैट शी इज नॉट इवन लर्न्ड एंड आलिया इज जस्ट another level of greatness in the making. She is a legend already. Nobody can beat Madhuri but Alia is my favorite so she has done her well also. How was the music of the film, the entire film? Good, good. Wo bhi bahut mast tha. Best gana aapko kaun sa laga? Wo jo Madhuri dance kar rahi hain. So out of 5 stars aap kitne star? 3 4 3 4 5 after 5 bhi dungi. 3 star for this film. As a star nahi dungi darling. These stars are beyond stars and just to have Madhuri ji and Sanjay Dutt in the same frame you're like oh it's very nice. Agar aapko pyar se pyar hai aur agar aapko bhi love stories pasand hai then I recommend you ki aapko ye movie ja ke zarur dekhni chahiye. Agar aapne already dekh liya to hame comments pe zarur batana ki aapko ye film kaisi lagi and agar nahi dekhi hai then what are you waiting for? Jao dekho aur hame batao ki aapko ye film kaisi lagi. Until then stay tuned to Movie Talkies. Bye.